राम राम जी सारे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ ऋतु में आप सभी का स्वागत है। तो अभी इस टाइम पर बज रही है 3:45, 4 बज गए हैं बे। जिस टाइम पर मैंने अपना व्लॉग का जो शुरुआत करी है, आज तो मैंने टाइम देखा है कौन, क्योंकि आज मैंने पूरे घर की साफ सफाई करी है। जो मानू सही वाली ठूंगी डूंगी कती जा जाकर बड़बड़ करने भी इतर किते। तो जमा सही डंगा काट दिया आज मैंने घर में। तो फिर है भारी लाकड़ पड़े थी, इतने सारा गंदी कंजी, इतनी सारी माटी धूल, दो तथले भर गए पूरे घर में। तो दो तथले, और ये भी तो है ना, वैसे ये भी तो आंगन आंगन में भर गए। मतलब अभी थोड़ा काम रह रहा है मेरा, अलमारी वगैरह सेट करनी है, जो जाडा है कपड़े हैं वह धरने हैं, शाल कंबल वगैरह ये भी दो धा करना है। देखूंगी काटूंगी टेम सा, करूंगी थोड़ी सी मेहनत। और आज मैंने एक वीडियो बनाई है, और मतलब उस वीडियो में मैंने घंटा लग गया बनाने में, घंटा नहीं कम से कम 1.5 घंटा लग गया वहाँ वीडियो बनाने में। फिर चोखा बन तो गई मसाए। और अभी मैं बैठी थी, भूख लगी मैंने बैठी बैठी ने, और टीवी देखने लग गई। टीवी में देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, किस किस ने पसंद है बताइए। बाकी मैंने पसंद कौन, पहले पसंद होया करता, बाकी भी देख लियो मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये जब तक तो टीवी चल रहा है ना, जब तक मैं नाटक नाटका का बहुत वहम हो गया। तो मैंने और दो नाटक तो मैं छोड़ दिए कौन, जी टीवी पर लक्ष्मी भाग्य और एक कुंडली भाग्य, ये तो मैं छोड़ दी कौन। चाहे हमने दिन में देखनी पड़ी हो, रात में नहीं देखने मिलते, तो देखो जरूर बट और इंटरेस्ट सा बैठ जावे। छोड़ दिए, पहले देखा करते शादी तक, पहले शादी के बाद छूट गए थे ये देखने, फिर बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर ये जब तक छतरी लगवाई है ना हमने, जब तक फिर इंटरेस्ट बन गया, फिर तो देखने लग गई। तो आज मेरा घर पूरा साफ एकदम कति चकाचक हो रखा है। और दिखाऊं मड़ा पिछला आंगन में इतना डंगा था, क्योंकि अड़े एक नीम का पेड़ है, और उसके पत्ते सूख सूख कर जड़े जावे जड़े जावे जड़े जावे। तो जाते हैं दिखाते हुए, जमा सुथरा हो रहा है आंगन मेरा। ये सारे मैंने धोने हैं, टूंटी आवेंगी ना उदन सही धोएंगे। बस ये आड़े चूल्हा उधर है, कभी कभी रोटी बना ली हूँ, आग बाल लूँ। देखिए जमा सारा साफ सुथरा कर दिया, पर आने भी इतना डंगा पड़ा रहा करता। ये जमा सही चकाचक हो रहा है, ड्राम के भीतर भी कुछ है ना, सारा साफ सफाई कर दिया जो मैंने। अच्छा लग गया है इतना साफ सुथरा घर देख कर। मैं दिखाती हूँ आपको और थोड़ा ज़्यादा कपड़े तो देखो, मैं तो जद अलमारी का हाथ लाऊंगी, जदे भीतर जाऊंगी अलमारी में, इतने तो बहरे रहूंगी। और ये देखो आंगन, ये भी बिल्कुल साफ कर दिया, वो तसला भर गया, तसला के ऊपर ही कर दिया है। वह गुफा साफ करी थी आज मैंने, कर दी ना सही, सारी सब कुछ साफ सुथरा हो रखा है। और उरत भी सारा कर दिया, ताम जाम साफ। ये मेरे पेड़ पौधे पानी दे देती हूँ इनको, और ये सही उगने लग रहे हैं। तो 4:30 का टाइम हो चुका है, पेट पूजा मैंने कर ली है, टिंडी घी और गुड़ मैंने बहुत गाना स्वाद लग गया है, छोटे छोटे टुकड़े करके ना उसके गुड़ के और टिंडी घी मैं घोल का ना इतनी स्वाद लाकर रोटी पर रोल बना कर कभी कदम एक नंबर का टेस्ट बैठ जाए। और ये मैं सोऊँ थोड़ी सी बजी हूँ कंबल में, इब करीब आध पौना घंटा तो आराम ते लेटूंगी रिलैक्स होकर ने, नींद आ तो ठीक है नहीं अपने रिलैक्स हो जावांगे, क्योंकि आज मैंने तो बहुत किया मैंने। और फिर अपने रोटी पानी का लगाना ही है भी, रोटी पानी बनानी है। चलो भाई टूटते हैं, कितना बोझ है, अरे वाह बलाओ 42,700 कुछ तो बढ़िया। ये आड़ा मेरी मामी ला करी है भाई रस्ते धोने, मैं सारे धो ही दिए, दुए गए सारे फिर तो लगभग। अरे हाँ शुरू है करें हैं, शुरू कर दे सही इन्वर्टर पर तो दूजे हैं अपने सोलर प्लेट है। मैं लाइट की वाट देखूं, इव लाइट आ गई मैं उरान आ गई, सन लगानी पड़ेगी थोड़े होंगे। नाइफ का तो अपता में दूंगा, जूते ये पहना है मैं तो, जमा बूंदे कर लिया लत्या ने एक एक दिन में भी काम में इतना गया कल्ला।
तुम इतनी लो अभी साइकिल लेके जाओ हो साइकिल ले रहे यार फिर भी पैदल चल रहे हरे नक्सू दक्सू के सवाल के बोल सर मैथ को आ, ओ मैथ को ना मैगी को मैथ में क्या कहते हैं तू का मुन्ने को उनके रजत है तब तो पूछी है फिर तुनू क्या तो बाजिया है गिल्लू का सवाल भाई मैं इन बालका ने पटा दियो तू पटा गी मैं तारी नई टीचर तो जेंडर एक जेंट्सिंग कौन सिखावे है कौन कौन पढ़ावे है विजेंद्र ताऊ कौन जंदे है तू कैसे सोच रहे थे भाभी क्या जानी थी तू का मम्मी ओ मैं सच तो कि मैं ना कहे यार तो कि मैंने बुरा मान दी मेरी तू ये गाली भाई आप सभी को एक बात बताऊं यहाँ पे मेरी मामी और मुनिया सीक्रेट बात कर रही थी इतनी राम राम तो बोला करते बाहर हुई जी आवाज इतनी साइलेंट बात कर रहे थे और ना मैं चुगली कर कमी लगा के बहू की चुगली करके कुछ को ले लिया करता कुछ भी नहीं बहू जब रोड करके बैठ के फिर क्यों नहीं मिलता है सेवा बानी सासू ने नड़द ने नहीं ना ऐसी बात नहीं है वैसे ले भी सको कोई बात नहीं बाकी पे तो है। बाकी तो सेवा पानी करने का मौका तारा है मैं पकड़ा क्या हूँ के मामी थोड़ी बहुत सेवा पानी के माल काटा लाडू अच्छा ये भाग मैं घर पे और 3 बज गए इस टाइम पे भूख लग रही थी थोड़ी रोटी खाई थी मैं छोक रखी थी जब मैं खान जी कर गया था घना का सूटा थोड़ी रोटी मैं खाई थी और साथ मैं आटा पिसवाने जा रही थी सुबह आज मैंने सिर्फ उठते पिसना करा था आज मैंने वहाँ पर घनी धूप हो जाए दोपहर में तो करा कौन जावे बहर आंगन में तो इस वजह से सुबह मैंने कर दिया था इब लाइट आ रही थी दिन में ना कदे कदे लाइट आवे है तो मखाज लाइट आ रही है मैं कपड़े का धो लेवांगे एतवार ने और आटा है जो आज पिसवा जाई हूँ मैं और अभी घर पाए तो पापा जी नहीं है यहाँ पे बाहर चले जाया करें 3 बजे से जाया करें नहीं इतना रेडी है पाजे जाओ क्योंकि 2 बजे टेस्ट में आया करें तो 2 बजे वो आया करें रागनी पापा जी की तो रागनी सुनते फिर 3 बजे चले जाते हैं बाहर हंडन फिरन और इब मैं करूँ भाई थोड़ी देर रेस्ट क्योंकि जमा थक गई मैं गणी थक गई तो इब मैं थोड़ी देर सोऊंगी या फिर बस थोड़ी देर लेटूंगी नींद आए तो सो जाऊंगी नहीं अपने लेट जाऊंगी थोड़ी आन तो कंबल ले लो कंबल बिना के नींद आवेगी ऊँ देख लो कितनी गर्मी हो रही है लेकिन है ना मना कंबल जमा सही सो आ जा है उठ ली हूँ मैं 4:15 हो गए हैं इस टाइम पे और सोई थी को नहीं क्योंकि नींदे को नहीं फ़ोन में मत्था मारे गई पुरान इंस्टा रील बेस्ट चलाए गई नोए फूक दिया टेब नहीं थोड़ी आन सो लियो मैं नोया अगर मैं सो जाऊँ ना फिर कई देर पीछे उठूँ फिर तो मैं 5:30 से उठूँ और इब मैंने जाना है बिटोड़ा में क्योंकि माम एक तो डंगा गेड़ के आऊँगी मैं इब घर पर कोई भी कौन नहीं पापा जी भी कौन नहीं इब तक कौन आए हैं डंगा का थोड़ा भारी है कल ही पर उठे कौन नहीं मेरे पर और
आप नु सोचते हो डंगा का तसला उठता को नहीं सह है, उसमें माटी है नरी कुकर उठेगा इतना भारी मेरे पे। और बस मम्मी और आज बटोड़ा धरन लग गए, थोड़ी बहुत हेल्प करवा देवांगे, हेल्प नहीं होगी तो बैठ के गप्पे सप्पे मार लेवांगे और तो क्या करेंगे। तो ये डंगा का तसला भर लिया है, देखो भी कोई मामी मम्मी आवगी, कोई आंदा जाता नहीं पकड़ूंगी मामी ने, नानी मामी जो भी आओगी तो फिर जाऊंगी बटोड़ा में।